तो हेलो फ्रेंड, वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। और अभी जो मैच कवर कर रहे हैं इसी मैच T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर ए का जो ये चौथा मैच खेला जा रहा है VN वर्सेस SMO के बीच में दोस्तों ये मैच खेला जाएगा। और ये मैच इन्वेस्टमेंट स्मॉलिक और ग्रैंड लीग दोनों के लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। ऐसा दोनों ही टीमों की ओर से काफ़ी सारे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पर लो सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, जो आप सभी को स्मॉली के साथ साथ ग्रैंड लीग्स भी विन करा कर देंगे। साथ ही जानेंगे क्या कुछ इनकी बैटिंग ऑर्डर विद प्लेइंग 11 रहेगा और क्या कुछ इनके रिसेंट के फॉर्म, यानी इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप सभी को इस मैच को विन करना। तो एंड तक इस वीडियो को देखना ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन जानो क्या कुछ हमारे स्मॉली की टीम से रहने वाले हैं, क्या कुछ हमारे ग्रैंड लीग के टर्म प्लेयर्स रहेंगे जो कि एज ए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के भी डिफॉल्ट ऑप्शन है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने ही वाला है, चाहे ग्रैंड लीग खेल रहे हो या फिर स्मॉली खेल रहे हो, तो फिर एंड तक देखना। और दोस्तों सबसे पहले अगर आप सब अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि दोस्तों आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिलेंगे ज़रूर। वैसे भी आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों चलते हैं मैच प्रेडिक्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। और भाइयों सबसे पहले तो आप सभी लोग देख रहे हो फैंटेसी क्रिकेट फैन के टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे जुड़ना आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो शायद बहुत कुछ मिस करो। इस मैच की फाइनल और एक विनिंग टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करेंगे, जहाँ पे 7.6 के सब्सक्राइबर्स हमारे ऑलरेडी जुड़कर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट निकाल रहे हो। जिसको भी इस फैंटेसी के फील्ड में प्रॉफिट में रहना होगा तो फिर हमारे चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जिस टीम से मेरी खुद की अपनी इन्वेस्टमेंट होती है वो टीम आपको टॉस और बैटिंग ऑर्डर के बाद अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देंगे। तो जुड़ना होगा तो फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है हमारे लिंक के थ्रू जुड़िएगा, ताकि हमारे रियल चैनल पर ही जुड़ो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे नाम से काफ़ी सारे फेक सब्सक्राइबर्स वाले चैनल भी है जहाँ पे लोग इसे पैटिंग बेच रहे हैं। तो रियल चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, ज्वाइन करके सिर्फ लास्ट मिनट तक हमारे चैनल पर एक्टिव रहना। जो भी फाइनल और एक विनिंग टीम रहेंगे टॉस और बैटिंग ऑर्डर के बाद, इसके अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही कर देंगे। बाकी दोस्तों चलते हैं अपने मैच प्रेडिक्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इनकी मैच इन्फो के बारे में। ये मैच ICC मैन T20 वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालीफायर ए का ये चौथा मैच जो खेला जा रहा है, हमेशा की तरह 8 बजे करीब में ये भी मैच स्टार्ट हो रहा है। और पहले से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखना, क्योंकि ये जो सजेशन है वो हमारा हमेशा की तरह रहता है, क्योंकि कुछ मैंने 4 सालों में फैंटेसी से कुछ सीखा भी हूँ। क्योंकि पहले अगर कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर दो फिर आपको लो कॉम्पिटिशन मिलेगा रिसेंट मैच के मुकाबले, तो पहले से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखना। वेन्यू की बात करें तो वनवादो क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर यह मैच खेला जा रहा है, यानी कि सिमोही ग्राउंड है, जहाँ पर रिसेंट से पहले के 3 मैचेस इसी ग्राउंड पर खेले गए। एवरेज स्कोर 120 से 140 के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जो लोग भी अभी तक नहीं जुड़े तो शायद बहुत कुछ मिस करें। और इस मैच की फाइनल और एक विनिंग टीम टेलीग्राम चैनल पर देंगे, और जुड़ने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना। पिच रिपोर्ट की बात करें तो जो पिच है एक तरह से देखो तो बैटिंग बॉलिंग काफ़ी अच्छे अप कर रही है, और ये बैलेंसड कह सकते हो, क्योंकि अभी रिसेंट के मैच में बॉलिंग और बैटिंग दोनों को काफ़ी अच्छे हेल्प मिले भी हैं। बाकी इनका विनिंग स्कोरिंग पैटर्न, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 6 बार विन के, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार विन करके आ रही है। सबसे पहले जानेंगे VN के टीम के प्रोबेबल लाइनअप विद बैटिंग ऑर्डर। इनके रिसेंट के एक मैच है जो रिसेंट अपनी टीम ने इनके खेल कर आ रही, वहाँ पर इन्होंने वन किया था। तो सबसे पहले देखो इनके टीम की ओर से नलिन नजर आएंगे, जो कि ओपनिंग बैटिंग कर रहे हैं, राइट हैंडर बैट्समैन, राइट मीडियम बॉलर है। 14 मैच के अंदर 312 रन, 26 करियर, 24 विकेटन के नाम है। रिसेंट के बारे में 51 का स्कोर प्लस 0 विकेट है, वहाँ पर इन्होंने 2 ओवर के बॉलिंग कराया। तो एक तरह से देखो तो ये टीम की ओर से ओपनिंग बैटिंग है इनका प्लस बॉलिंग भी करा रहे, तो कहीं ना कहीं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के डिफॉल्ट ऑप्शन भी हैं, जो कि मैनेजर ग्रैंड लीग्स वगैरह में इनको कैप्टन एंड वाइस कप्तान भी करके जाओ। और कहीं ना कहीं खास करके एज अ स्मॉलिंग भी खेल रहे हो तो वहाँ पर भी आप इन्हें कैप्टन कर सकते हो। जूनियर की बात करें तो लिस्टे का रिकॉर्ड है 5 मैच में 92 रन, 18 कर्जे। रिसेंट के पारी में सिर्फ इन्होंने 14 का ही स्कोर कर पाए, T20 करियर स्टार्ट मिला नहीं, फिर भी स्टार्टअप इनका काफ़ी अच्छा था। अगर इनकी टीम पहले जैसे बैटिंग कर दी है तो आप सब इन्हें लेकर जा सकते हो। पैटिंग की बात करें तो राइट हैंडर बैट्समैन, राइट मीडियम बॉलर है, 20 मैच में 530 रन, 26 कर्जे, टोटल 18 विकेट इनके नाम है। रिसेंट के पारियों में 1 का स्कोर प्लस 3 विकेट इनका देखने को मिलेंगे। प्लेयर्स के पास बैटिंग से भी एवरेज फॉर्म ठीक-ठाक है, बॉलिंग से बिग विकेट टेकर्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो कि स्टार्टिंग ओवर डालेंगे, और इस मैच के सेफ ऑप्शन से तो फिलहाल कैप्टन एंड वाइस कप्तान स्मॉल में भी करो और मिनीजल ग्रैंडिंग्स वगैरह में भी करके जा सकते हो। उसके बाद जरात की बात करें तो अगर विकेट कीपनिंग करा रहे लिस्टे के 5 मैच में 97 रन, 32 कर्जे। रिसेंट के पारी में इन्होंने 30 का स्कोर किया, इससे बैटिंग से एवरेज फॉर्म काफ़ी बेहतर, और कहीं ना कहीं देखो अगर इनकी टीम पहले से बैटिंग कर दी है तो आप सब इनके साथ जाओ। एंड्रयू टीम की मेन बैट्समैन, ये पार्ट टाइम बॉलर भी है, देखो राइट हैंडर बैट्समैन, ऑफ्रेकर बॉलिंग भी कराते हैं। 14 मैच के अंदर 159 रन, 11 कवरेज, 13 विकेट इनके नाम है। तो रिस्क ले पाओ तो ही इनको पिक करना, वरना आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हो। हालांकि टीम की मेन बैट्समैन है तो अभी हम इनको
स्मॉलिंग में पिक करके जाएंगे। जोशुआ की बात करें 13 मैच करें 374 रन 28 के वजह 5 विकेट के नाम है। राइट हैंडर बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम बॉलर है। रिसेंट के पारी में 2 विकेट 4 ओवर के बॉलिंग कराए और कहीं ना कहीं इस मैच के कौन द बेस्ट ऑप्शन हैं जो इस प्लेयर के साथ साथ मिनीजर ग्रैंडिक्स भी इनको कैप्टन और वाइस कप्तान भी कर सकते हो। अब यहाँ पर जो टीम के मेन बॉलर से देखो रैवल नजर आएंगे, उसके सिवा स्टेफन नीलेशन नजर आएंगे, जो नीलेशन नजर आएंगे जो कि ऑलमोस्ट एक ये भी एक टीम की मेन बॉलर है जो 4 ओवर कन्फर्म बॉलिंग डालेंगे। तो हमारे पास देखो 2 ही मेन ऑप्शन है जो कि स्टेफन को पिक करेंगे और यहाँ पर हम रेवल को पिक करके जाएंगे जो कि एक तरह से बॉलिंग से इनका एवरेज फॉर्म ठीक ठाक। अगर आप देखो तो इन्होंने रिसेंट के पारी में 2 विकेट जदित के भी बॉलिंग कराते, स्टेफन भी लास्ट मैच के जदित में बॉलिंग डाला जहाँ पर 2 विकेट निकाले, तो 4 ओवर कन्फर्म ये बॉलिंग करा रही है और कहीं ना कहीं इस मैच के सेफ ऑप्शन भी है जो इस प्लेयर के साथ साथ मिनी जल ग्रैंडलिक्स में कैप्टन एंड वाइस कप्तान भी कर सकते हो। और बाकी यहाँ पर जो जो भी प्लेयर्स है देखो इन दोनों तारी और यहाँ पर इन दोनों को ग्रैंडलिक्स वगैरह में पिक करके जाना, तो बैटिंग से कुछ खास बढ़िया फॉर्म है ना तो बॉलिंग से ही है, तो अभी मुझे भी नहीं लगता कि इनको पिक करना चाहिए। फिलहाल दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जुड़ने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। फाइनल और एक विनिंग टीम टेलीग्राम चैनल पर देंगे और जुड़ने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए, बेंच और कोई प्लेयर खेलेगा तो मैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर SMO की टीम के प्लेयर स्टार्टिंग प्लेइंग इन्फो के बारे में और इनकी टीम ने सीरीज के अंदर अपने 1 मैचेस में वो भी विन करके आ रही है। तो आपके पास ओला नजर आएंगे जो कि इस विकेट कीपिंग कराते हैं, राइट हैंडर बैट्समैन, 4 मैच में 104 रन 26 रिसेंट के पारी में इन्होंने 17 का स्कोर करा। देखो ये अपने टीम की ओर से वन डाउन टू डाउन बैटिंग भी करा लेते हैं, कभी कभार ये ओपनिंग भी करते हैं, तो एक ही फैक्टर है अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करते तो ही इनको पिक करना, वरना आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हो। सैन कटलर की बात करें तो इन्होंने भी एज राइट हैंडर बैट्समैन 4 मैच में 52 रन 13 का विजय, रिसेंट के पारी में इन्होंने 26 का स्कोर किया, तो बैटिंग से एवरेज फॉर्म इनका ठीक ठाक। लास्ट के मैच में हमने इनको रखा भी था जहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट निकाला। डोमिनिक की बात करें तो ये बॉलिंग विद बैटिंग दोनों ही करा रहे, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन राइट मीडियम बॉलर है, 25 मैच में 796 रन 50 का विजय, 2 विकेट इनके नाम है। रिसेंट के पारी में 3 का स्कोर प्लस 1 विकेट है, तो वैसे भी स्मॉलिंग में एज अपलर इनको पिक करके जाना। ग्रैंडलिक्स वगैरह खेलो तो फिर वहाँ पर इन्हें कैप्टन कर सकते हो। एंड्रयू मिचेल 4 मैच से 67 रन 2 का विजय 0 विकेट गया, न तो बैटिंग से कुछ खास बेहतरीन का रिकॉर्ड है ना तो बॉलिंग से ही है, तो मैं सजेशन नहीं देंगे फिदेरी को रिस्क ले पाओ। तो अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती तो फिर आप सब इन्हें पिक कर सकते हो। चोला जो कि राइट हैंडर बैट्समैन राइट हैंड मीडियम बॉलर है, रिसेंट के मैच में 3 विकेट 4 ओवर के बॉलिंग करा, T20 करियर स्टार्ट में 4 मैच के अंदर सिर्फ 37 रन ही आपको देखने को मिले थे। एक तरह से इनकी जो बॉलिंग से फॉर्म वो ठीक ठाक है, रिस्क ले पाओ तो प्लेयर इनको पिक करके चलिएगा जरूर। उसके बाद शुमानी की बात करें तो रिसेंट के मैच में 1 विकेट 4 ओवर के बॉलिंग करा, T20 के 4 मैच में 3 विकेट लेग ब्रेकर बॉल है, खास करके आपको 4 ओवर कन्फर्म बॉलिंग डालेंगे जो स्टार्टिंग के 2 ओवर डालते हैं 2 ओवर देते के, और इस मॉली एक सेफ ऑप्शंस भी हैं जो कि एज अ प्लेयर इनको पिक कर सकते हो। उसके बाद सोफी ने रिसेंट के मैच में 1 विकेट 2 ओवर के बॉलिंग करा, रिस्क ले पाओ तो ही आपको इनको पिक करना चाहिए, वरना आप इन्हें ग्रैंडलिक्स और मिनी जेल में ही फोकस कीजिएगा। जेम्स जो टीम के एज अ मेन बॉलर 4 मैच के अंदर 4 विकेट है, रिसेंट के बारे में 1 विकेट इन्होंने निकाला, एज राइट मीडियम बॉलर है, इस मॉली एक सेफ ऑप्शन है जहाँ तो एज अ प्लेयर इनको पिक करके जा सकते हो। किरान जशमत और यहाँ पर ये फिनू दोनों ही ऑप्शन मिनी जेल ग्रैंडली के डिफॉल्ट है, फिलहाल इस मॉली में आप हम यहाँ से किसी को रखेंगे नहीं। अब देखो इसकी पूरी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे, जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। जुड़ने के लिए करना कुछ नहीं रहेगा, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो अगर आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो नीचे मैंने आपको लिंक दे दिया हूँ, और जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे ना डायरेक्टली जुड़ जाओगे, तो ऑलमोस्ट ज्वाइन करके सिर्फ लास्ट मिनट तक हमारे चैनल पर एक्टिव रहिएगा। बाकी दोस्तों चलते अपने ड्रीम इलेवन टीम देख लेते हैं। दोस्तों काफ़ी सारे सबके बाद मेरे टीम कॉम्बिनेशन कुछ 6 और 5 का पोस्ट देखने को मिलेंगे, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट करके टीम रखे थे। टीम प्रीव्यू को अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पर फितरी को एज अ विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा, बाकी जो हमारे पास 3 मेन बैट्समैन है स्मॉली को और यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि बॉलिंग विद बैटिंग कराकर दे रहे हैं। उसके बाद 16 ने रिसेंट के मैच में 3 विकेट निकाला, इस वजह से हम इन्हें रखा है। T20 करियर स्टार्ट मुझे अवेलेबल तो है नहीं, फिर भी लॉजिक बेसिस पे इनको ट्राई कर रहे हैं। और अब देखो यहाँ पर कैप्टन लोग 51% इनको कर रहे हैं, अगर आप ये चाहो तो सेफली ऑप्शंस के तौर पे कैप्टन इन्हें भी कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने रिसेंट के मैच में काफ़ी बढ़िया फॉर्म से गुजरे। अब थोड़ी बहुत हम रिस्क ले रहे हैं यहाँ पर, कैप्टन हमें यहाँ से नीलन गोरेंज जो ओपनिंग बैटिंग करते हो अपनी टीम की ओर से देखेंगे। एंड्रयू को चाहो तो वाइस कप्तान करो, या फिर डिफॉल्ट ऑप्शंस के तौर पे बॉलिंग सेक्शन से रिस्क ले सकते हो, या फिर आप जोशुआ के साथ भी जाते हो जो कि मिडल ऑर्डर बैटिंग और इनकी बॉलिंग भी ठीक ठाक है, और थोड़ी बहुत है और डिफॉल्ट रिस्क ले पाओ तो फिर आप इनको भी वाइस कप्तान करो। अभी देखो मैं सेफली यहाँ पर एंड्रयू को वाइस कप्तान कर रहे, टॉस फैक्टर के बाद मैं शायद अपनी कैप्टन एंड वाइस कप्तान चेंजेस करें, जिसके अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पर देंगे। और जुड़ने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोस में किसी नेक्स्ट मैचेस के प्रेडिक्शन के साथ।